आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो होगा ही, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने पिस्तौल कारतूस बेचने आए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 3 कारतूस बरामद किया गया है। मुंब्रा पुलिस के सहायक निरीक्षक अजय कुम्हार को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो हथियार बेचने के लिए आने वाला है और मुंब्रा रेती बंदर पर पुलिस ने जाल बिछाकर इस व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इसके पास से पिस्तौल, कारतूस, मैगजीन बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी का नाम पता चला है कि उत्तम पीताम्बर पुनिया है, जिसकी उम्र 33 साल है और ये हरियाणा से मुंबई के मुंब्रा शहर में हथियार बेचने के लिए आया था। पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि पुलिस इससे आगे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर हरियाणा से ये हथियार बेचने के लिए यहाँ पर किसको आया था। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। 20 मई 2024 को 5वें चरण में अपना इधर का वोटिंग हो रहा है, तो ये जो वोटिंग है लोगों ने निर्भय होकर निश्चिंत होकर करना चाहिए, इसलिए गुनहगारों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के हमारे CP साहब के आदेश है। उसके हिसाब से हम लोग हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशंस और बाकी की कार्रवाई सब चालू है। वो हिसाब से जब कार्रवाई चालू थी तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के API कुम्भार, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आदमी रेती बंदर पे कुछ अवैध हथियार बेचने के लिए आने वाला है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाके ट्रैप लगाया तो बाद में उनको ये ट्रैप लगाया गया 5 मई 2024 को। और जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मेशन में जो आदमी का पहराव था वो पहराव का आदमी आ गया तो उन्होंने उसको दबोच लिया और उसके बैग थी उसके पास, बैग में सर्च किया तो उसके पास 2 पिस्टल मिल गए, 3 राउंड मिल गए। जब उसके साथ पास इंक्वायरी की गई तो वो झज्जर हरियाणा का रहने वाला निकला और वो यहाँ पे हथियार बेचने के लिए आया था। ये हथियार अगर किसी को दूसरी जगह पे बेचा जाता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम ने जो अच्छा काम किया है जिससे आगे होने वाला एक बहुत बड़ा हादसा बच गया है। आरोपियों का नाम क्या है, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है? आरोपी झज्जर हरियाणा का है, उसका नाम है उत्तम पीताम्बर पुनिया, जिसकी उम्र है 23 साल। सर ये जो आरोपी है ये हथियार किसे देने आए, इसकी कुछ जानकारी होगी? इसकी इंक्वायरी चालू है और इन्वेस्टिगेशन चालू होने की वजह से उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन में बाधा आ सकती है, इसलिए हम लोग अभी इस स्टेज पे नाम बता नहीं सकते हैं। हरियाणा से लाए थे हथियार उसने, उसका बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर ये हथियार जिन्हें देने आए थे कुछ इलेक्शन को लेकर कुछ माहौल खराब करने के लिए था या? उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है और कुछ बातें ऐसी है कि जो अभी डिक्लेयर करेंगे तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिकावटें आ सकती है, इसलिए समय आने पर ये बातों का इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा। देखा